वेरी गुड मॉर्निंग. तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. पिछली वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत कोशिश किए थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने का, उसका इंट्रोडक्शन लिए थे. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि अगर क्लासिफाई किया गया डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को तो किस बेसिस पे, आधार क्या था उसका. ठीक है, शुरुआत किए थे इसका कैरोलस लिडिया साहब. सो ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ही ऑल्सो इन्वेंटेड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. वो बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो नाम रखिए और वो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पद्धति का आविष्कार किए, खोज किए. इतना सब कुछ होने के बाद अब कैरोलस लिडिया साहब बेसिस का सर्च करना शुरू किया कि किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए. ठीक है, तो एज बीइंग स्टार्टेड कैरोलस लिडिया साहब पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दो ग्रुप में बांटे, एक प्लांट और एक एनिमल. दिस इज नोन एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाई कैरोलस लिनियस. वॉट आर द टू ग्रुप्स? ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स. उनके बाद एक अलग साइंटिस्ट आते हैं, अर्नेस्ट हेकल साहब, एंड ही प्रपोज द थर्ड ग्रुप, प्रोटिस्टा. क्लियर? अर्नेस्ट हेकल साहब को ऐसा ज्ञात होता है, ऐसा उनको आभास होता है कि प्लांट और एनिमल के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इस धरती पे हैं, इस दुनिया में हैं. तो उसके लिए वो एक अलग सा ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखते हैं प्रोटिस्टा. क्लियर? दिस इज नोन एज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. जो हम लोग ग्रुप बोल रहे हैं, दे आर द एक्चुअली किंगडम्स. तभी तक तीन किंगडम का नाम आया, प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा. प्लांटिया एनिमेलिया, दिस टू किंगडम्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाई कैरोलस लिनियस. द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा इज इंट्रोड्यूस्ड बाई अर्नेस्ट हेकल. दिस इज द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इनके बहुत वर्षों के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था आर एच विटेकर. आर एच विटेकर साहब को लगा कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, या टू किंगडम हो या थ्री किंगडम हो, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है ना. सही से या तो बेस चूज नहीं किया गया है, या सही से क्लासिफाई नहीं किया गया, कुछ तो है इसमें गड़बड़. ठीक है, तो इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. एंड दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फोर क्राइटेरियन. चार बेसिस, चार क्राइटेरिया वो चूज करते हैं. इस चार क्राइटेरिया पे पांच किंगडम को वो क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, यानी कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर प्लेस्ड ओनली इन फाइव किंगडम. इन्हीं पांच किंगडम में कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग भी है, हम लोग भी हैं, अमीबा भी है, हमारा आसपास जितने भी इंसेक्ट है, जितने भी प्लांट है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सभी इन्हीं पांच किंगडम के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस्ड है. क्लियर? ये पांच किंगडम क्या क्या हैं, किस बेसिस पे किंगडम बनाए गए हैं, आज इसी का चर्चा हम लोग करेंगे. एंड दैट इज नोन एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. किस बेसिस पे ये पांच किंगडम बनाए गए, फिर उस किंगडम को फर्दर डिवाइड करके और भी हायरार्की बनाया गया है, उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे. अभी हम लोग बात करते हैं इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, कि किस बेसिस पे ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया. क्लियर? तो अर्च विटेकर साहब जो सबसे पहला क्राइटेरिया डिसाइड किए, दैट इज द टाइप ऑफ सेल. ठीक है, टाइप ऑफ सेल के आधार पे. एंड वी नो द टाइप ऑफ सेल, देयर टू टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना. यही दो प्रकार का सेल हम लोग पढ़े हैं. एट फर्स्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. अब
वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं या यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, दिस इज द टाइप ऑफ सेल, पहला क्राइटेरियन। इस क्राइटेरियन के आधार पे वो दो ग्रुप में बांट दिए, प्रोकैरियोटिक को एक साइड में और यूकैरियोटिक को एक साइड में। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे, अब सारे प्रोकैरियोटिक सेल को एक नाम दे दिए, वो एक किंगडम के अंदर रख दिए वो, और उस किंगडम का नाम रखा गया मोनेरा। तो दैट मोनेरा किंगडम कंटेन्स ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही होते हैं, प्रोकैरियोटिक मल्टीसेलुलर नहीं होते। तो ऑल प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड अंडर विच किंगडम, मोनेरा। क्लियर? अब एक नजर देते हैं यूकैरियोटिक की ओर। जितने भी यूकैरियोटिक हैं, वी आर ऑल्सो द यूकैरियोटिक, अमीबा ऑल्सो यूकैरियोटिक, ठीक है, यूग्लिना ऑल्सो यूकैरियोटिक, मॉस्किटो ऑल्सो यूकैरियोटिक, प्लांटी ऑल्सो यूकैरियोटिक। तो इन सभी को एक ही ग्रुप में रख दिया गया था, यूकैरियोटिक। अब इस यूकैरियोटिक सेल वाले कि यार इसमें भी कुछ न कुछ मिक्स है, अब उसको कैसे सेपरेट किया जाए? तो दूसरा क्राइटेरियन वो अपनाए किसको डिवाइड करने के लिए, यूकैरियोटिक ग्रुप जो भी बना हुआ था, उस यूकैरियोटिक ग्रुप में भी काफी वेरिएशन थी, काफी डाइवर्सिटी था, ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए दूसरा क्राइटेरियन लेकर के आते हैं, एंड दैट इज द नंबर ऑफ सेल। यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, आइदर दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, यानी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिस प्रकार से वो मल्टी सेलर और यूनिसेलर में डिवाइड कर दिए, और सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिए, एक किंगडम के रूप में बना दिया, और उस किंगडम का नाम रखा गया प्रोटिस्टा। तो दो किंगडम अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा दैट इज प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर जो इस तरफ था बचा हुआ, अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में भी बहुत डाइवर्स फॉर्म देखने को मिला। तो वहां पे फिर आरएच विटेकर साहब तीसरा क्राइटेरियन लेकर के आते हैं, एंड दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल एब्सेंट है, इस आधार पे वो डिवाइड किए। तो जिसके ऊपर भी, चाहे वो ऑर्गेनिज्म जैसा भी दिखता, जैसा भी हो, वो बात का बात, अगर उसके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट है, तो उन सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, एंड दैट इज एनिमेलिया। क्या नाम रखे उसका, एनिमेलिया, वी बिलोंग टू द दैट ग्रुप, है ना, एनिमेलिया। अब जो सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स थे, अब उनमें लगा कि यार क्या क्राइटेरिया अपनाया जाए इसमें, इसको डिवाइड करने का क्या बेसिस अपनाया जाए, ठीक है। तो वहां पे वो अपनाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा क्राइटेरियन। जितने भी सेल वॉल कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनिजम्स, जितने भी सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स थे, अब उनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आइदर दे आर ऑटोट्रॉपिक और दे आर सेप्रोफाइटिक। अगर वो ऑटोट्रॉपिक थे तो उनका नाम रख दिया गया प्लांटी, वी नो वेरी वेल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, एंड जो सेप्रोफाइटिक थे उनको बोल दिया गया फंजाई या फंगस, वी नो वेरी वेल कि फंगस के ऊपर भी सेल वॉल है, प्लांटी के ऊपर भी सेल वॉल है, लेकिन दोनों के सेल वॉल में फर्क है। हम लोग पढ़े थे सेल में, प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है मोस्टली, और फंगस का सेल वॉल मोस्टली बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। सेल वॉल है दोनों के ऊपर, बट सेल वॉल के कंपोजिशन में फर्क है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्क है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांटी का ऑटोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक का, सॉरी फंगस का सेप्रोफाइटिक। क्लियर? तो दीज आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द किंगडम्स। तो एक बार समराइज कर लेते हैं इन सभी को, क्या क्या बेसिस देखे और क्या क्या किंगडम का नाम सीखे हम लोग, ठीक है। तो आर एच विटिकर के अनुसार
जो कि वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए, क्लियर। तो वो पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए चार बेसिस लेकर के आते हैं। ये चार बेसिस क्या थे? तो पहला बेसिस था टाइप ऑफ सेल, दूसरा बेसिस था नंबर ऑफ सेल, तीसरा बेसिस था सेल वॉल, आइदर इट इज प्रेजेंट और इट इज एब्सेंट, और चौथा बेसिस था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन चार बेसिस पे पांच किंगडम बनाए गए। चार बेसिस को फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। पहला बेसिस टाइप ऑफ सेल, दूसरा बेसिस नंबर ऑफ सेल, तीसरा बेसिस सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, और चौथा बेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन चारों बेसिस के आधार पे पांच किंगडम बनाए जाते हैं। इन पांचों किंगडम का नाम एक बार हम लोग समझ लें फिर से एक साथ एक जगह करके। तो पहला किंगडम निकल के आया था मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटे एंड फंजाई या फंगस, ठीक है। ये पांच किंगडम का नाम हम लोग याद रखेंगे। गॉट इट? समझ में आई बात? ये हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस प्रकार से वेल एक्सेप्टेड थ्योरी जो है आज की तारीख में, दैट इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटेकर। ही सजेस्टेड ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव मेजर ग्रुप्स एंड दोज मेजर ग्रुप्स आर नेम्ड एज किंगडम, क्लियर। एंड दीज फाइव किंगडम्स आर बेस्ड अपॉन फोर क्राइटेरियन या फोर बेसिस। ये चारों बेसिस हम लोग समझ चुके हैं और ये पांचों किंगडम का नाम, जो मेजर ग्रुप्स थे उनका नाम। अभी जो पांच किंगडम है, अब इस किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन, देयर डिफरेंट हैबिटेट, देयर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, फूडिंग हैबिट और बहुत कुछ क्राइटेरियन है, उनके आधार पे इसको फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है, फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, फर्दर ब्रांच किया जाता है इनको। लाइक किंगडम, किंगडम को क्लासिफाई करके या किंगडम को फिर डिफरेंट ब्रांचेज में अगर बांटा जाए तो हर एक ब्रांच को बोलेंगे फाइलम। फाइलम और कैटेगराइज होकर के बन जाएगा क्लास। क्लास इसको और कैटेगराइज किया जाए और डिवाइड किया जाए तो ये बन जाता है ऑर्डर। ऑर्डर से नीचे है फैमिली। एक ही फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, जीनस, और एक ही जीनस में बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं। तो ये जो अभी नाम लिए हम लोग, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज, ये जो सात नाम लिया गया है, ये सातों नाम है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जब क्लासिफाई कर रहे थे तो सबसे टॉप मोस्ट या सबसे मेजर ग्रुप हमारा क्या था, दैट इज द किंगडम। अब उस किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया गया, फर्दर डिवाइड किया गया, फर्दर ब्रांच किया गया फाइलम में, फाइलम को फर्दर ब्रांच किया गया क्लास में, उससे फर्दर ब्रांच किया गया ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में, और जीनस को फाइनली स्पेसीज में, ठीक है। यहां पर एक दो सवाल हम लोग सिर्फ याद रखेंगे। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो जो सबसे नीचे में आया, दैट इज द स्पीसीज। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? दैट इज द किंगडम। जो पांच किंगडम का नाम ये थे हम लोग, किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो चर्चा किए थे हम लोग कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब नाम रखा जाता है, ठीक है, तो इट्स फर्स्ट नेम इंडिकेट्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग चर्चा किए थे कि इसमें दो नाम रखा जाता है, तो फर्स्ट नेम इंडिकेट्स जीनस एंड सेकेंड नेम इंडिकेट्स स्पीसीज। तो इसी जीनस और स्पीसीज का बात कर रहे थे जो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। स्पीसीज का डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पीसीज, तो स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और वी कैन डिफाइन इट एज, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्पीसीज को, दैट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रिड टूगेदर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग।
स्पेसीज वैसे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को बोला जाएगा विच कैन इंटरब्रीड टुगेदर एंड आर एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, है ना, वैसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, एंड एज अ रिजल्ट दे कैन प्रोड्यूस फर्टाइल और दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि उनके जो बच्चे हों वो भी फर्टाइल हों, उनकी जो संतान हो, उनका जो ऑफ स्प्रिंग हो, उनका जो प्रोजेनी हो, अगर वो भी फर्टाइल है तब वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। एज फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस, इस धरती पे जितने भी ह्यूमन बींग हैं दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज होमो सेपियंस, बिकॉज भले ही हम लोग किसी भी देश समुदाय जात बिरादरी कुछ भी हम लोग बांट ली हो आपस में, बट वी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज होमो सेपियंस बिकॉज वी कैन इंटरब्रीड टूगेदर एंड आर एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। क्लियर? तो आज के टॉपिक में इतना ही हम लोग समझते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। सो टेक केयर।